एक शाम प्राची टीवी पर सीरियल देख रही होती है, तभी उसकी सास वहां आती है। अरे सीरियल में तो ऐसे मग्न है जैसे आज रात का खाना पड़ोसी आकर बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं था आपने अपने बेटे की शादी पड़ोस में भी की हुई है। हैं? मतलब? मतलब इस घर में सारा काम बहू ही करती है, आप तो सिर्फ खर्राटे मारती हैं। अच्छा जी, फिलहाल तो तुम आराम फरमा रही हो, चलो जाओ, ये मेरे टीवी देखने का समय है। इसीलिए मुझे भगाया जा रहा है, सॉरी अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्राची की इस बात पर दोनों सास बहू के बीच टीवी रिमोट के पीछे बच्चों जैसे छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके बीच श्लोक भी काम से घर वापस आ जाता है। आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरे बीवी मुझे टीवी ही नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पर तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते। अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की धूली है ना। अरे बस दोनों चुप, प्राची जाओ खाने की तैयारी करो, और माँ तुम छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं, शांति से अपना सीरियल देखो, मुझे दोबारा लड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है, खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को श्लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहां दूध का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है, यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं। अरे सुन बेटे, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ हाँ बस समझ गया, कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी, भाई मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मन मौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहां नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। उमूरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी, घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा चार बात सुनाएंगे। प्राची ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है, तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटे, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और शाम को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाऊं, इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी। अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती है। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया, तुम्हें मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता मुझे पता है। अरे वो अरे, जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तू समझ गया, जब उसे नहीं जाना तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहा है। अच्छा फिर आपको मौसी के घर छोड़ आता हूँ, बस
अब आप दोनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं झेल सकता। है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू तू मैं नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियां कैसे मिलेंगी?